नेक्स्ट इज कि देखो ये तुम्हारा एंटम का पेपर है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है इम्प्लीमेंट अ फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग 8:1 मार्क्स। तो मैं अभी फिलहाल सब्ट्रैक्टर नहीं बता रही, मैं क्या बता रही हूँ एडर। अगर एडर पता लग गया तो तुम्हें सब्ट्रैक्टर भी पता लग जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं ये, लाइक दे कैन आस्क यू इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 8:1 मार्क्स। ठीक है, अब सबसे पहले इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, एडर पता होना चाहिए। एडर क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था, बताओ एडर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है? दो, एक हाफ एडर और एक फुल एडर। तो फुल एडर में हमारे पास कितने इनपुट्स थी? तीन इनपुट्स थी, ए बी सी, राइट। ए बी सी तीन इनपुट थी। अब उसमें तीन इनपुट में क्या करेंगे, वही अगर टेबल बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और फिर हमें क्या करना है, सम बनाना है और कैरी। कंप्लीट करो ये टेबल एक बार। इसमें सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था लास्ट, कि अगर 8:1 मार्क्स बनाना है तो सबसे पहले 8:1 ऐसे ड्रॉ कर दो। और 8:1 में हमारे पास कितनी सिलेक्ट लाइन होती है? तीन होती है, तो S0 S1 S2 ए बी सी। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जो लास्ट लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ इनपुट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, राइट। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट ए बी सी तीन इनपुट हैं और तीन ही सिलेक्ट लाइन है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाला मतलब कि डायरेक्ट हमें लॉजिक 1 से कनेक्ट करना है। इसमें देखो दो एक्सप्रेशन बनेंगे, सम का अलग बनेगा और कैरी का अलग बनेगा, तो दो अलग अलग मार्क्स बनेंगे। तो अगर मैं सम के लिए बात करूं तो सम के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, इज इक्वल टू सिग्मा एम। जिस जिस नंबर पे 1 है उस वो नंबर आ जाएगा। लाइक सपोज, जैसे मैंने बताया था डिजिटल में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये 1 किस पे आ रहा है, 1 पे, 2 पे, 4 पे और 7 पे। तो सम का एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 2 4 7, क्लियर। सम का क्या एक्सप्रेशन हो गया, 1 2 4 7। इसी तरह मुझे कैरी का एक्सप्रेशन बताओ, सिग्मा एम कैरी का क्या होगा एक्सप्रेशन, 3 5 6 7, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल सम का मार्क्स बना रही हूँ, आउटपुट वाई। तो ये हो जाएगा I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7। तो सम का है तो 1 2 4 7, 1 2 4 7। इन सबको किससे कनेक्ट कर दोगे, लॉजिक 1 से। किससे कनेक्ट करोगे, लॉजिक 1 से। और बाकी सबको किससे कनेक्ट कर दोगे, लॉजिक 0 से, ठीक है। अब ये देखो मैंने सम का बनाया, इसी तरह तुम कैरी का बनाओ। अब पेपर में देखो क्या मॉडिफिकेशन आ सकती है, वो तुमसे ये पूछ लेंगे जो मैंने अभी करवाया तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर उन्होंने पूछ लिया इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 4:1 मार्क्स, तो तुम्हें पिछले वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, राइट। 8:1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरफ इम्प्लीमेंट फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग 8:1 मार्क्स, वो तुम होमवर्क में कर सकते हो ना, सेम सब्ट्रैक्टर की टेबल बनाना, डिफरेंस बनाना, बोरो बनाना और डिफरेंस और बोरो का बना देना। बट अगर तुमसे 4:1 में पूछते हैं तो बताओ कैसे करोगे, क्योंकि इस केस में एडर की इनपुट और मार्क्स की सिलेक्ट लाइन इज नॉट सेम, राइट। एडर में कितने इनपुट हैं, ए बी सी, तो एक सम हो जाएगा और एक कैरी हो जाएगा, राइट।
और 4:1 में हमारे पास कितनी सिलेक्ट लाइन होती हैं, दो। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ए और बी को एज अ इनपुट यूज करना है, सी को एज अ सिलेक्ट लाइन, या फिर ऐसे भी कर सकते हो बी और सी को एज अ इनपुट यूज करना है, सॉरी बी और सी को एज अ सिलेक्ट लाइन यूज करना है और ए को एज अ इनपुट। ये वाला करके दिखाओ। फिर देखो इसमें हमें क्या करना है, बी और सी को मैंने क्या लिया, इनपुट लिया, राइट। एक बार मैं टेबल ये वाली कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। और तुम्हें कौन से मक से डिजाइनिंग करनी है, 4:1 मक से। तो सबसे पहले 4:1 मक्स बनाया, इसमें दो सिलेक्ट लाइन ली, बी और सी को मैंने सिलेक्ट लाइन ले लिया। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया ए को मैंने क्या करना है, एज अ इनपुट। तो अब टेबल बनाएंगे तो ए की वर्ड है, या तो ए बार होगा या क्या होगा, ए होगा। ऊपर क्या लिखते हैं, आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री, यही बताया था, आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू 0 किस किस पे है बताओ, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, ए बार। ए की वैल्यू 1 किस किस पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है, ठीक है। हाँ इसके आगे बता रही हूँ। अब मैं अभी मान रही हूँ कि सम वाला है हमारा एक्सप्रेशन। तो सम के केस में क्या एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, 1, 2, 4, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 पे क्या कर दो, सर्कल, 2 पे क्या कर दो, सर्कल, 4 पे क्या कर दो, सर्कल, और 7 पे क्या कर दो, सर्कल। क्यों, क्योंकि सम का एक्सप्रेशन क्या था, 1, 2, 4, 7, ये क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब अगर 4 पे सर्कल है तो आई नोट का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए, आई वन का क्या आ जाएगा, ए बार, आई टू का क्या आ जाएगा, ए बार, और आई थ्री का क्या आ जाएगा, ए। तो आई नोट को किससे कनेक्ट कर दोगे, ए से, आई वन को ए बार से, आई टू को भी ए बार से, और इसको भी आई थ्री को भी ए से। तो ये जो तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर बना है ये क्या बना है, सम का, यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्स। चलो चेक करो कैरी का बनाना है, कैरी के इसमें भी 4:1, और हम ए बी को पिछले केस में क्या लिया था मैंने, बी सी को सिलेक्ट लाइन लिया था, सेम लेना, अलग मत करना, ठीक है। बी सी को सिलेक्ट लाइन लेंगे और ए को एज अ इनपुट, राइट। तो यहाँ पे 4 इनपुट्स आएंगे तो क्या लिखोगे, आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री। तो ए बार देखो कहाँ कहाँ पे है, नंबरिंग सेम जाएगी, 0, 1, 2, 3, ए बार कहाँ कहाँ पे है, 0, 1, 2, 3 पे, और ए कहाँ पे है, 4, 5, 6, 7 पे। बस कहाँ डिफरेंस है, सर्कल में डिफरेंस है, 3 पे सर्कल करना है, 5 पे सर्कल करना है, 6 पे करना है, और 7 पे करना है। तो आई नोट पे कुछ भी नहीं है, 0, आई वन पे ए, आई टू पे ए, और आई थ्री पे कितना हो जाएगा, ए बार प्लस ए, और ए बार प्लस ए इज 1। तो बस यहाँ पे कनेक्ट कर दो आई नोट, आई वन, आई टू, आई थ्री। तो आई नोट को 0 से, ए से, ए से, और 1 से, खत्म, कम। अब एक काम करना, देखो दो चीज़ें होती है, दोनों मल्टीप्लेक्सर को अलग अलग छोड़ दो, बट कुछ टीचर्स मानते हैं इसे रॉन्ग। तो तुमने जो दो मल्टीप्लेक्सर बनाए हैं 4:1 के, 4:1 के, एक सम का बनाया है, नहीं एक कैरी का बनाया है, दोनों के सिलेक्ट लाइन सेम है, बी सी, बी सी, बस दोनों के सिलेक्ट लाइन को कंबाइन कर देना है, ऐसे सेम जाएगा वो, ठीक है। दोनों के सिलेक्ट लाइन इस तरह से सेम जाएगी, बाकी सेम रहेगा जो भी है, या तो ऊपर नीचे बना देना जैसे मैंने मल्टीप्लेक्सर ट्री में बनाया था, या ऐसे बना देना।
मेरे अकॉर्डिंग तो देखो अलग अलग भी बना रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन कुछ टीचर्स गलत मानते हैं, कुछ कुछ बुक में अलग अलग ही दिया हुआ है और कुछ कुछ बुक में कंबाइन करा हुआ है, तो वो बेटर है कि कंबाइन कर ही दो।